और नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दस्तावेज और कागज में मोतीलाल वोरा का नाम नहीं है। सोनिया और राहुल ने मोतीलाल वोरा पर लगाए थे वित्तीय लेन देन के आरोप, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से सारे कागजों को खंगाला जा रहा है, दस्तावेजों की हो रही है जांच, उसके तहत मोतीलाल वोरा का उनमें नाम शामिल नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के शिकंजे में फंसे राहुल और सोनिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। हेराल्ड केस में जो खुलासा हुआ है उससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। दरअसल अभी तक की जांच में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो सके कि मोतीलाल वोरा यानी AJL और यंग इंडिया की किसी मीटिंग का हिस्सा रहे हों, जबकि ईडी की पूछताछ में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरा ठीकरा मोतीलाल वोरा के सिर पर फोड़ दिया है और AJL और यंग इंडिया की बैठक में मोतीलाल वोरा के शामिल होने का दावा किया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में लंबे वक्त तक कोषाध्यक्ष रहने के बावजूद मोतीलाल वोरा का यंग इंडिया के किसी कागज पर ना तो नाम है और ना ही दस्तखत। ऐसे में ईडी का दावा है कि यंग इंडिया बनाते वक्त शेयर ट्रांसफर के दौरान मोतीलाल वोरा का इस लेन देन से कोई लेना देना नहीं था। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन कुमार बंसल भी वित्तीय लेन देन देखने का ठीकरा मोतीलाल वोरा के सिर पर ही फोड़ चुके हैं।